हाँ जी, अगर साढ़े कोल इंटरनेट कनैक्शन है तो साढ़े लई जो कंप्यूटर सिस्टम है होर भी ज़्यादा फायदेमंद हैगा गा, क्योंकि असी इंटरनेट के थ्रू जो भी साढ़े ऑनलाइन काम ने, जिमें कि ड्यू टू कोविड असी मोस्टली जेडे काम ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दे विच हुण आपां गल करदे हां वी जिहड़ा साडा कंप्यूटर सिस्टम हुंदा है उस दे विच की चीज़ां आउंदियां ने, जिमें कि पेरीफिरल डिवाइसिस की गल करते हैं, जिमें कि कीबोर्ड हुंदा है जिसनूं असी इनपुट यूनिट कहने हां, एक सीपीयू हुंदा है जिसका पूरा नाम की हुंदा है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ठीक है, तो उस तरह एक मोनीटर हुंदा है, मेन जो डिवाइसिस ने उहदी आपां गल कर रहे हां, जो तुसीं डायग्राम दे विच देख रहे हो मोनीटर आ, सीपीयू आ, कीबोर्ड आ, माउस आ। तो जिहड़ा मोनीटर हुंदा है वह की हुंदा है, एक साडी आउटपुट यूनिट हुंदी है। ठीक है, जिस की डाटा डिस्प्ले करन दे काम आती है। हुण आपां गल करते हैं सीपीयू। सीपीयू जिहड़ा साडा हुंदा है राजे, सब तो पहले सानू उहदा फुल फॉर्म पता है की हुंदी है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट हुंदी है। सेंट्रल प्रोसैसिंग मीनस जो बिचाले एक सेंटर एज ए इंटरमीडिएटर एक सेंट्रल जो काम करता है, जो भी आपां इस दे विच साडियां प्रोसैसिंग्स हुंदियां ने डाटे दियां। ठीक है, तो इस करके असीं इहनूं सीपीयू कहिंदे हां। सीपीयू साडा तीन भागां दे विच वंडिया हुंदा है, ए नहीं हैगा वी सीपीयू अंदरों तीन भाग जिवें कि एक तीन शैल्फां बनियां होईआं, ऐदां नहीं हैगा। अगर आपां इहनूं एज ए इलैक्ट्रॉनिक या एज ए सॉफ्टवेयर दी मतलब निगाह दे नाल देखिए, तो साडा जिहड़ा सीपीयू आ उह तीन भागां दे विच वंडिया हुंदा है। जिहड़ा पहला भाग हुंदा है उसनूं असीं कंट्रोल यूनिट कहिंदे आ, सीयू शॉर्ट दे विच, ते जिहड़ा दूजा भाग हुंदा है उसनूं एएलयू कहिंदे आ, जिहदा मतलब हुंदा अरथमैटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड वन इज़ मैमरी यूनिट। ठीक है, जिहनूं एमयू कहिंदे आ। तो सब तो पहला जिहड़ी कंट्रोल यूनिट हुंदी है, कंट्रोल यूनिट का मतलब किसी चीज़ नूं कंट्रोल करना। ठीक है, जिवें अपना एक स्कूल, अपने स्कूल दे विच कोई अपने स्कूल नूं कौन कंट्रोल करदा गा, प्रिंसीपल सर कंट्रोल करदे ने, कि प्रिंसीपल सर स्कूल दे विच नहीं हैगे तां जो भी वाइस प्रिंसीपल है वह कंट्रोल करदा। उसी तरह एक टीचर नूं कौन कंट्रोल करदा, एक टीचर क्लास नूं कंट्रोल करदा गा। ठीक है, उसी तरह जो भी साढ़े सिस्टम दे विच काम हुंदा है उसनूं कौन कंट्रोल करता है, साडा कंट्रोल यूनिट काम करता है। ठीक है, मीनस उन्होंने कंट्रोल करता है। तो इस आपने एग्जाम्पल दी हुई है, अपने आप को म्यूट कर लो। तो आपने इस एग्जाम्पल दी हुई है, जिहड़े कंट्रोल यूनिट होंदी है वह एक कंपनी के रिसैप्शन अते किसी कंपनी के मैनेजर वांग काम करती है। ठीक है, कंपनी का जिहड़ा रिसैप्शन रिसैप्शनिस्ट हुंदा है जां मैनेजर हुंदा है उस दे तरह काम करती है, जो कि हर एक चीज़ दे विच अपने ऑर्डर दिंदी है जां डायरेक्शन दिंदी है। मान लो तुसीं एक रिसेप्शन कोल जाने हो, रिसेप्शनिस्ट कोल जाने हो, तुसीं पुछदे हो भी फलानी जगह कित्थे है, मान लो बैंक दे विच जा रहे हो किसी कंपनी दे, भी सानू लाइक पानी पीन जाना गा, पानी पीन वाली प्लेस केड़ी है, तो वह थोनू एक डायरेक्शन दिंदी है। ठीक है, मतलब वो कंट्रोल दे विच हैगी हर एक चीज़ भी कि बंदे नू कित्थे भेजना है, किहड़े बंदे ने कित्थे जाना है। अगर तुसी उस तो नहीं पुछोगे तो तुसी इधर उधर घूमते फिरोंगे, थोनू प्रोपर जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसी तरह ये की करता है कि जो भी सानू कंप्यूटर वालों दिशा निर्देश आते ने ये उसनू अपने कंट्रोल दे विच रखता है, हर एक काम दे विच ये तालमेल बना के रखता है भी किहड़ा काम पहला करना है ते किहड़ा काम बाद च करना है, कि हर एक टास्क प्रायोरिटी वाइज हुंदा है। उस तो बाद अगर आपां एएलयू की गल करते हैं, तो एएलयू का मतलब तो बिल्कुल क्लीयर है कि अरथमैटिकल लॉजिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब इस दे विच सारियां अपनी मैथामैटिकल रिलेटड गणनावां हुंदियां ने, चाहे कोई मैथामैटिक रिलेटड है कोई जो लॉजिकल गणनावां ने, वह सारियां साडा एएलयू करता है। एएलयू दे कोल मतलब एएलयू दा डिपार्टमेंट की है, सारी मैथामैटिकल जो भी असी करते हैं कैलकुलेशनस करते हैं जां कोई एक्सल शीट दे विच काम करते हैं, वह सारा साडा एएलयू काम उसनू देखता है जां उसनू संभाल के रखता है जां उसका डाटे नू स्टोर करता है। ठीक है, उसी तरह जे आप गल करिए अपना मैमरी यूनिट की, मैमरी यूनिट की हुंदी है, मैमरी यूनिट मतलब मैमरी नू स्टोर करके रखना, जो भी आप साडे कंप्यूटर की मैमरी है उसनू स्टोर करके रखना। ठीक है, तो इसकी मतलब सारा काम किहदे कोल हुंदा है, अपना एमयू कोल हुंदा है। साढ़े कोल दो तरह की मैमरी हुंदी है, एक प्राइमरी मैमरी एक सैकेंडरी मैमरी। ठीक है,
दो तरह की मैमरी होंगी, एक प्राइमरी एंड एक सैकेंडरी। तो जदों भी मान लो असी कोई काम करते हैं है ना, सिस्टम के उत्ते काम करते हैं, एक तरह लाइट भजे तो जोड़ा काम साडा सेव नहीं हुंदा गा तो वह काम आप दूरी बार आपां नूं करना पैंदा है क्योंकि वह उड जाता गा। तो वह जे काम जिहड़े हुंदे ने साडे मीनस रैम के कहने जिहड़े प्राइमरी मैमरी रैम तो रोम आ जाते हैं। ठीक है, रैम हुंदा है रैंडम एक्सैस मैमरी, रोम हुंदा है रीड ओनली मैमरी। ठीक है, तो इदा के काम जिहड़े हुंदे ने रैम के रहिंदे जिहड़े कि जब तक असी सेव नहीं करते जां कुछ देर तक रहिंदे ने। बट जिहड़े रोम हुंदी है रोम के परमानेंट मैमरी हुंदी है। ठीक है, चाहे लाइट चलती है चाहे लाइट चली जाए साडा सारा डाटा उस दे विच स्टोर रहिंदा है। उसी तरह सैकेंडरी स्टोरेज हुंदी है जां सैकेंडरी मैमरी हुंदी है। ठीक है, उस दे विच अपनी एक्सटर्नल मैमरी भी आ जाती है जिवें कि अपनी पेन ड्राइव होगी, सी डी रोम हो गया, सी डी लगाने आपां ना हार्ड डिस्क होगी जिहड़ियां आपां अटैच कर सकते, इन्हां नूं असीं पेरीफिरल डिवाइसिस भी कहने हैं। ठीक है, उस तो बाद राजी गल करते हैं आपां इनपुट ते आउटपुट। इनपुट ते आउटपुट दे विच बेसिकली जदों आपां गल करते हैं तो पहला सब तो पहला कीबोर्ड की गल हुंदी है। ठीक है, कीबोर्ड की आ एक अपनी इनपुट डिवाइस है जिस दे विच की हुंदा है कॉम्बीनेशन हुंदा है लैटर्स का। ठीक है, न्यूमेरिक्स का। ठीक है, इस दे विच की हुंदा है जिहड़ा साडा कीबोर्ड है वह डाटा एंटर करन दे काम आंदा है। ठीक है, डाटा जदों भी असी कोई इनफॉर्मेशन ऐड करनी है अपने सिस्टम दे विच तां असी अपने कीबोर्ड दे राही उहनूं की करदे हां ऐड करदे हां। उसी तरह आउटपुट यंत्र की गल करिए आउटपुट हुंदा है मोनीटर जिहड़ा कि एक डिस्प्ले हुण दिखाता है सानू जो भी असी काम करते हैं जो भी असी रिजल्ट देखना चाहते हैं या जो भी इनफॉर्मेशन असी सेव की वह सारी असी अपने मोनीटर के उत्ते देखते हैं। ठीक है, अगे राजी एक छोटा जिहा टेबल बनया होया है कि केड़ी केड़ी डिवाइसिस जां केड़ी केड़ी पेरीफिरल डिवाइसिस साडे कंप्यूटर सिस्टम के नाल अटैच हुंदी है जिवें कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस की है एक इनपुट डिवाइस है जिहनूं असी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहने हैं क्योंकि असी क्लिक करते हैं इस करके इहनूं पॉइंटिंग भी कहने हैं। माइक्रोफोन हो गया जिस दे नाल की करते हैं आवाज़ असी अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रोजैक्टर हो गया, ठीक है, अपना मोनीटर हो गया। मोनीटर ते की हुंदा विजुअल आउटपुट असी देख सकते हैं। स्पीकर हो गए, ये भी आउटपुट दे विच आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि असी सुनते हैं स्पीकरां दे राही। स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस, कुछ स्कैन करते हैं हार्ड कॉपी नूं जदों सॉफ्ट कॉपी दे विच कन्वर्ट करना हुंदा है तां उसी की करते हैं स्कैनर की वरतों करते हैं। उसी तरह जिहड़ा प्रिंटर हुंदा है जदों असी सॉफ्ट कॉपी नूं एज ए हार्ड कॉपी लेना है तां असी प्रिंटर की वरतों करते हैं। ठीक है, उस तो बाद होर जी पेरीफिरल डिवाइसिस ने वो किहड़ियां हुंदियां ने जिवें कि आह देख रहे हो तुसीं बारकोड स्कैनिंग। बारकोड रीडर कित्थे देखिया, किसी ने देखिया बारकोड रीडर, ये किसी ने कित्थे देखिया किसी शॉप ते जां कित्थे होर कित्थे देखिया किसी ने, ये किसी ने देखिया तां दसो। मनविंदर अपना माइक ऑन कर लो, माइक अनेबल नहीं हैगा बेटा। हाँ जी, कित्थे देखिया तुसी बारकोड रीडर, किसी ने देखिया तां दसो। डेफिनेशन भी लिखी हुई है देखो। नो मैम। चलो ठीक है, मैं जिहड़ा साडा बारकोड रीडर हुंदा है इसनूं असीं बारकोड स्कैनर भी कहने हैं। ठीक है, जिवें अजकल तुसीं मान लो ईजी डे जा रहे हो जां मोर च जा रहे हो जां किसी भी मॉल दे विच जाने हो जिवें डी मार्ट हो गया, जदों तुसीं कोई भी समान लैने हो ना उस तों बाद तुहाडा जिहड़ा भी प्रोडक्ट हुंदा है उसनूं एक छोटी जी साडे कोल मशीन हुंदी है उहदे नाल असीं स्कैन करदे हां, रैड लाइट जी आउंदी हुंदी है। ठीक है, तां उहदे नाल जदों आपां उहनूं स्कैन करदे हां तां उहदा जिहड़ा प्रिंट रेट हुंदा है उह साडे सिस्टम ते उत्ते आ जांदा है। इहदे नाल असीं की आ फटाफट जो भी हैगियां ने कैलकुलेशनस कर लैने हां ते सानूं स्कैनिंग दे नाल असीं सारी एक चीज़ नूं एक थां ते कलैक्ट कर लैने हां। उस तो इलावा जिहड़ा बारकोड रीडर है ये अपने स्कूलों के भी हुंदा है। मान लो अगर तुसीं किसी कॉलेज चों या स्कूल की लाइब्रेरी है थोड़ी बहुत वड्डी, मान लो तुसीं कोई बुक इशू करवा रहे हो, जिहड़ा भी उत्थे लाइब्रेरियन आ वह तुहानूं पहला बुक स्कैन करके थोड़े जो भी पास थोड़ा अपना की कहिंदे आई डी होएगी या थोड़ी
कोई भी आईडी कार्ड दे विच एंट्री करेगा भी आप बुक बच्चा लेके जा रहा है, तो स्कैनिंग दे नाल ओह नंबर लिख देगा भी आप नंबर आ बुक दा ते बच्चा बुक लेके जा रहा है, तो इस दे यही काम होंदे ने। ठीक है, उस तो बाद आप प्रोसैसिंग यूनिट बारे सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि प्रोसैसिंग अपनी सीपीयू दे तीन भाग होंदे आ, कि भाग होंदे ने, रैम ते रोम बारे मैं थोनू दस चुकी हाँ। ठीक है, आ देखो जो साड़ी रैम हुंदी है जिहड़ी अपनी मैमरी डिवाइस की किस्मां दिखाईआं गईआं ने, रैम जिहड़ी हुंदी है कुछ इस तरह की दिखती है, इसनों आप चिप भी कह दें। ठीक है, ये अपनी सीपीयू दे विच मदरबोर्ड दे विच लगती है। ठीक है, कित्थे लगती है, मदर बोर्ड दे विच जिहनूं आपां सर्किट बोर्ड भी कहने, जिहड़ी साड़ी सीपीयू दी कैबिनेट हुंदी है उस दे विच रैम लगती है। जिन्नी आपां रैम लगावांगे, जिन्नी आ चिप लगावांगे, उन्नी साड़ी कंप्यूटर दी जो प्रोसैसिंग आ स्पीड आ फास्ट होएगी। ठीक है, उसी तरह रोम आ, रोम की हुंदी है पक्के तौर तो जानकारी नूं स्टोर करती है, तो रैम की करती है कच्चे तौर तो जानकारी नूं स्टोर करती है। ठीक है, एंड फ्लैश मैमरी की हुंदी है, ये भी एक देख लो फ्लैश मैमरी जिन्हों असी पक्के तौर पर जानकारी स्टोर करने के लिए इसनों असी वरतते हैं। ठीक है, जिमें थोड़ी पेन ड्राइव की जिहड़ी पोर्ट हुंदी है USB पोर्ट वो इस तरह की हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद मदरबोर्ड की है राजे, मदरबोर्ड की डेफिनेशन तुसी दे सकते हो भी मदरबोर्ड नूं असी सर्किट बोर्ड भी कहने हैं। ठीक है, क्योंकि सारा दा सारा कंप्यूटर दा जिन्ना भी सर्किट हुंदा, जिन्नी भी वायर हुंदियां ने वो साडियां मदरबोर्ड ते लगियां हुंदियां ने, जिन्नी भी इनपुट्स की वायर आ रही ने प्रोसैसिंग दियां ने या आउटपुट दियां ने वो सारियां साडे मदरबोर्ड दे उत्ते लगियां हुंदियां ने। ठीक है, इस करके मदरबोर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। जे थोनू कोई पूछे भी मदरबोर्ड कित्थे हुंदा है, तो CPU दे विच हुंदा है, जिहड़ी CPU दी कैबिनेट हुंदी है उसके अंदर मदरबोर्ड हुंदा है। ठीक है, उस तो बाद स्टोरेज उपकरण या स्टोरेज फाइलां कि दसिया ने, जिन्हों मैं कहा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसिस कि होंदिया ने, जिमें USB फ्लैश ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, CD होगी, DVD होगी। ठीक है, आ देखो अगे ने जिमें अगे फोटोज आ रही ने, जिमें कंपैक्ट डिस्क CD कहने, ये पेरीफिल डिवाइसिस भी हो गई। ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव होगी, DVD होगी, बाहरली हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दो तरह की होंगी है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क एक एक्सटरनल। इंटरनल तो साड़ी CPU दे विच लगी होंगी है, एक एक्सटरनल होंगी है। ठीक है, एज ए पेन ड्राइव इनू आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव तो एक थोड़ा डाटा आता गा ना, जिमें 16 GB की पेन ड्राइव होगी, 32 की होगी, बट हार्ड डिस्क दे विच बहुत सारा डाटा आता गा। ठीक है, तो इन्होंने दस्या होया कि जिहड़ी साड़ी CD होंगी है उस दे विच 500 MB तक या 2 GB तक डाटा असी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सानू पता है साडा जिहड़ा कंप्यूटर है वह कि भाषा समझदा है, बाइनरी भाषा समझदा है, मशीनी भाषा समझदा है। तो जिहड़ी बाइनरी हुंदी है, जिमें अपने ला लो तुसीं गिनती च, मैं थोनू कहा किन्ने डिजिट तक अपने 0 to 9 तक अपने नुमैरिक्स होंदे ने, उन्हां दे कॉम्बीनेशन तो अगे आपां जिमें 101 बना लिया, 103 बना लिया, उवें साडी जिहड़ी मशीनी भाषा दे विच जिहड़ी गिनती हुंदी है उहदे विच सिर्फ 2 digit हुंदे ने, 1 0 हुंदा है ते 1 1 हुंदा है। ठीक है, इन्हां दोनों दे कॉम्बीनेशनस दे नाल साडी जो मशीनी भाषा है वह चलती है। ठीक है, जदों ये 0 1 दे 8 पेयर बन जाते हैं, मतलब 8 कॉम्बीनेशन बन जाते हैं, उन्हूं असी बाइट कहने हैं। ठीक है, जिन्हां दे विच कोई अक्षर आ सकता है, कोई अंक आ सकता है, कोई चिन्ह आ सकता है। जदों 8 bit का 1 byte बनता है उस दे विच किन्ने बाइट होंदे ने, 1024 byte, जिन्हों असी 1 KB कहने हैं। ठीक है, उमें जे 1024 MB होन उन्हूं असी GB कहने, जिन्हों तुसी GB कहने हो, जिमें कहने मेरे नैट पैक 1 GB का 1.5 GB का है ना, उमें। तो जे असी होर गल करिए, 1 मिनट, उस तो बाद आप गल करिए 1024 GB ये सब तो ज़्यादा होंगे, 1000 TB ये अपनी हार्ड डिस्क है जी बाहरली इन्नी स्टोरेज होंगी है। ठीक है, अगे पोर्ट ते कनैक्शन की गल करते हैं, पोर्ट ते कनैक्शन की होंगे, जेडे साडे CPU दे बैक साइड के जेडे पोर्ट लगे होंगे, जिमें कि माउस का पोर्ट हो गया, कीबोर्ड का हो गया, ऑडियो वीडियो का हो गया, नैटवर्किंग का हो गया, वो किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, जिमें आ देखो फोटो दे विच दिखाए हैं, 2 तरह के पोर्ट ने, एक USB पोर्ट दी तुहानू फोटो आ, ताकि तुहानू पोर्ट दे के पता चल सके भी ये माउस का पोर्ट आ, ये कीबोर्ड का, ये ऑडियो का, ये वीडियो का, ये प्रिंटर का गा,
ठीक है, ये स्पीकर का पोर्ट आ, यह पता हो, ये नैटवर्किंग पोर्ट आ, ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए फोटो देख के। अगे डिस्प्ले पोर्ट कि होंगे आ, जिदे असी मोनीटर की तार, जी मोनीटर की तार लगानी होंगी आ, यह दो तरह के होंगे ने, एक बी जी ए पोर्ट हों, एक एच डी एम आई पोर्ट हों, ठीक है। जोड़ा बी जी ए सी ये आप पहला यूज़ करते सी, अजक जे लेटैसट सी पी यू आ रहे हैं उन्होंने एच डी एम आई भी आ, बी जी ए भी आ। जो तुम लैपटॉप के उत्ते काम करते हो, लैपटॉप से तुम देखियो साइड के दोनों पोर्ट होंगे। मान लो तुम अपने लैपटॉप को प्रोजैक्टर के नाल कनैक्ट करना गा, तो थोड़े लैपटॉप के ज़्यादा बी जी ए पोर्ट होगा या एच डी एम आई, इदा थोड़ा जहा लंबे जे टाइप का होगा। उस तो बाद अगर तुम हैडफोन अपने कंप्यूटर नू लगाना चाहते हो, तो माइक्रोफोन के दो पोर्ट होंगे ने, एक गुलाबी जे रंग का होंगे, एक हरे रंग का, ठीक है। तो तुम जो गुलाबी जे रंग का होएगा उस दे विच माइक्रोफोन लगेगा, तो दूसरे दे विच स्पीकर वाला लगेगा, ठीक है। उस तो बाद जी थोड़ी नैटवर्क होंगी है, जिन्होंने असी आर जे 45 कहने, उसका जोड़ा प्लग हों, ईथरनैट पोर्ट हों, ठीक है। ईथरनैट पोर्ट आर जे 45 हों, कुछ इस तरह का दिता गा। अगर पावर पोर्ट की गल करिए, पावर पोर्ट जिमें कि अपने सी पी यू का जोड़ा पावर प्लग है, वह जो आप अपने सी पी यू के लगाने तो कुछ इस तरह के पावर पोर्ट होंगे ने, ठीक है। मेन जो ये जो यू अटैच करा तो उदो ही साढ़े सी पी यू के मोनीटर के लाइट आएगी, ठीक है। म्यूट कर लो अपने आपू। इन्ना की लैसन सी राजी अज अपना, तो हूँ मैं थोड़े क्वेश्चन पूछती हाँ, मैं फटाफट आंसर दियो, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ इन्हों विचों केड़ी इकाई सी पी यू बनाती है, सारे सही विकल्पां दी चोन अते निशान लगाओ, केड़ी चीज़ नाल मिल के सी पी यू बनता है, दसो। सी पी यू तीन भागों के विच सी, केड़ा केड़ा भाग आ वो, हाँ जी दसो फटाफट। सी पी यू तीन भागों का तीन भागों से डिवाइड किया, केड़े तीन भाग सी, दसो। हरकिरण दास, हरमन, मनविंदर, परविंदर, पवन बाबा, सहज, बिपन ज्योत, सारे बच्चे बोलो, बोलते नहीं तुसी? हाँ जी दसो राजे फटाफट, जिहड़ा अपना सीपीयू है तीन भागों के डिवाइड होंदा, केड़े केड़े तीन भाग ने? हाँ ना तो करो,